वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है। तो जैसा कि पता है यार, इंडिया ने भी बॉयकॉट करने का रीजन ओलंपिक्स को, मतलब चाइना की बीजिंग ओलंपिक्स को बॉयकॉट करने का रीजन ये था कि उन्होंने वो जो अफसर से मशाल जलवाई थी, जो मतलब जिसको गलवान वैली में उस पीटा था भारतीय सैनिक ने, तो उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि इस चीनी अफसर को तो भारतीय सैनिक ने दौड़ा दौड़ा के पीटा था। मतलब इस जिस मशाल जिसने जलाई थी उसके बारे में बात कर रही है पाकिस्तान मीडिया के भारतीय सैनिकों ने उसको मारा था। तो देखते हैं क्या बात हुई है पूरी, हम सुनते हैं और पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट, इंडिया ने बायकॉट का ऐलान कर दिया, डिप्लोमेटिक बायकॉट। उधर चाइना का चाइना जो है उधर उन्होंने अपना सफीर भी भेजने से इनकार कर दिया इंडिया ने। भारत ने बीजिंग के अंदर जो सरमाए ओलंपिक्स मुकाबले हैं उनके अंदर शिरकत से इनकार भी कर दिया है। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान दरमियान में पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी और ये सारे मसाले, और इंडिया जो है उनका डिप्लोमेटिक बैकआउट कर दिया बीजिंग का। इस वक्त चाइना के अंदर जो ओलंपिक मुकाबले हैं उनका इनेकाद शुरू हो रहा है। ऐसे में ओलंपिक मुकाबलों के आगाज में टॉर्च रेले में एक चीनी फौजी ने शमूलियत इख्तियार की है, जो भारत और चीन के फौज के मबैन सन 2020 में सरहदी इलाके गलवान में होने वाली फौजी झड़प के अंदर शामिल थे। अखबार ने लिखा कि एक फाबाओ भारतीय फौज के साथ झड़प में जख्मी हो गए थे और उनके सर पर चोट आई थी। अच्छा, जितना शेख रशीद साहब को अपनी पाक फौज पर यकीन है उतना ही पूरी कौम को यकीन है। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि किसी भी मुल्क का वजीर दाखिला ये बयान कैसे दे सकता है। वो कैसे कह सकता है कि अगले दो महीनों में दहशतगर्दी बढ़ेगी, भले ही उसको पता हो। ये बात बताने की नहीं होती है, आपके मुल्क से सरमायाकारी उठ जाती है, सरमायाकार भाग जाता होता है, अवाम में एक अजीब किस्म का खौफ फैल जाता है। 10 रोज में दहशतगर्दों की जानिब से ये तीसरा हमला का हमला किया गया। हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत के चीन के विंटर ओलंपिक्स का बॉयकॉट करने से पाकिस्तान बौखला गया है। भारत विंटर ओलंपिक्स 2022 नहीं भेजेगा। बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का उद्घाटन और समापन समारोह का प्रसारण नहीं करेगा। भारतीय सैनिकों के हाथों मार खा चुके जख्मी अफसर को विंटर ओलंपिक्स का टॉर्च बीरर बना दिया। चीन की इस घटिया हरकत का भारत ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए चीन के विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर दिया। ये भारत की तरफ से चीन के मुंह पर करारा तमाचा। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है। भारत की इस जवाबी कार्रवाई से बहुत हैरान परेशान है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। तो इंडिया ने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान दरमियान में पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी और ये सारे मसाले, हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम सही हो गया बीजिंग का। इधर से पाकिस्तान कह रहा है कि हम जो है वो हमालिया से बड़ी हमारी दोस्ती चाइना के साथ है। उधर चाइना का चाइना जो है उधर उन्होंने अपना सफीर भी भेजने से इनकार कर दिया इंडिया ने। आना था ये यहाँ पे यूए की मदद, इधर इधर सारा इशू हूतीज का खड़ा है। वो एक बंदा पता नहीं दाइश का मार दिया, अमरीकी फौज मार तो मेरी उन्होंने कहा हमें तो पता है बंदा भी है मसला ये है कि वो अचानक वहां पे मार दिया, अमेरिका गया नहीं है अफगानिस्तान से। वाराणसी का हम बात कर लेते हैं, चीन और भारत के दरमियान तलखियों के हवाले से, तनाजात के हवाले से। आप जानते हैं चाइना और भारत के दरमियान वादी गलवान में जून 2020 में लड़ाई हो चुकी है। इस वक्त चाइना के अंदर जो ओलंपिक मुकाबले हैं उनका इनेकाद शुरू हो रहा है। ऐसे में ओलंपिक मुकाबलों के आगाज में टॉर्च रेले में एक चीनी फौजी ने शमूलियत इख्तियार की है, जिस पर भारत काफी नाराज हुआ है। और भारत ने बीजिंग के अंदर जो सरमाए ओलंपिक्स मुकाबले हैं उनके अंदर शिरकत से इनकार भी कर दिया है। इस हवाले से नासिका में एक रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है के बीजिंग के अंदर सरमाए ओलंपिक्स के टॉर्च रेले में शामिल एक चीनी फौजी की वीडियोस और तस्वीरें चीनी मीडिया पर काफी नुमाया तौर पर पेश की गई। ये चीनी फौजी दरअसल पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रेजिमेंट कमांडर के फाबाओ हैं, जो भारत और चीन के फौज के मबैन
सन 2020 में सरहदी इलाके गलवान में होने वाली फौजी झड़प के अंदर शामिल थे। अखबार ने लिखा कि फाबाओ भारतीय फौज के साथ झड़प में जख्मी हो गए थे और उनके सर पर चोट आई थी। अब भारत इस मामले पर नाराज है। भारत में PLA के रेजिमेंट कमांडर फाबाओ को ओलंपिक स्टार रिले में शामिल किए जाने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया जा रहा है और इस हवाले से भारत ने इन ओलंपिक मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत से भी इनकार कर दिया है। इसी के साथ दो गाइस वीडियो खत्म। तो यार पूरी जो बात थी ना ये थी कि मतलब चाइनीज सोल्जर मतलब भाई मेन जो जड़ खफा देखो भाई, एक बार अमेरिका ने इंडिया पे कितना जोर डाला था कि बॉयकॉट करो बीजिंग ओलंपिक्स को, लेकिन नहीं किया इंडिया ने उसकी बात को कुछ समझा ही नहीं। मतलब इंडिया जब भी करता है अपनी करता है, जब इंडिया की मतलब ऊपर कोई मतलब इंडिया की सेल्फ रिस्पेक्ट का जहाँ पे वो होता है ना जहाँ पर वो मतलब खतरे में होती है उस जगह पे इंडिया स्टैंड लेता है और ये बिल्कुल अच्छी बात है। अपना पहले सोचो, अमेरिका ने बोल बोल के चाइना ने इंडिया ने बोला कि नहीं हम नहीं बॉयकॉट करेंगे, किसी भी कंट्री को हमने आज तक नहीं किया तो इसको भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, लेकिन चाइना ने उसको उस इश्यू को मतलब बीजिंग ओलंपिक्स को ही पॉलिटिसाइज कर दिया, मतलब पॉलिटिक्स में ले आया उसको। बिल्कुल, उसको क्यों बोला था कि उसको भाई मशाल दी। और देखो यार अगर उसने इस तरह किया है ना तो फिर इंडिया का, और मैं कहता हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना डिसीजन लिया है इंडिया ने इस वजह से कि उन्होंने तो देखो एक तो अपने जो दूरदर्शन स्पोर्ट्स था उनको कहा कि तुमने ओपनिंग सेरेमनी और एंड जो सेरेमनी है और वो कोई भी कंट्री ने इस तरह नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया और फुल बायकॉट उनका कर दिया। और मतलब अगर एक इंडिया का जो उधर था बंदा जो इंडिया ने भेजा था अगर वो एम्बेसडर जो था नहीं जो खेल के लिए भेजा हो सकता है कि इंडिया फुल जो है ना बिल्कुल हर चीज को भाई हर तरह से मतलब ना सेरेमनी में गया इंडियन कोई गलत किया ना यार बहुत गलत किया क्योंकि मतलब भाई एक जहां पर मतलब इतने बड़े मतलब इंडिया के सोल्जर भी शहीद हुए, चाइना के भी मारे गए, मतलब ऐसी जगह जो बहुत कॉन्ट्रोवर्सी वाली चीज थी उसी को चाइना ने अपने इस बड़े मौके पर ले आया। तो जाहिर बात है अगले को गुस्सा आना था भाई, गुस्सा क्या यार, ये तो इंडिया ने फिर भी जो है ना अभी कुछ नहीं कहा। मैं कहता हूँ कि इनके साथ इससे भी बुरा होना चाहिए, चाइना ने काम किया ना ये बिल्कुल बहुत ही घटिया हरकत है और इंडिया ने सही उसके मुंह पे तमाचा मारा। और जिस तरीके से किया ना, जिस तरीके से मतलब देखो इंडिया मैन, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, इंडिया हमेशा सर्द का साथ देता है, ठीक है, इंडिया हमेशा ये कहता है कि मतलब ताल्लुकात अच्छे बने रहे, लेकिन बार बार चाइना जो ऐसी हरकतें करता है, अब इंडिया ने कहा है तुम्हें मैं बताऊंगा और ऐसे तरीके से बताऊंगा, तुम याद रखें बिल्कुल हर मामले में चाइना जो है ना इंडिया उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब मतलब हर मामले में जो है ना आगे पीछे पड़े, वो हरकत ही ऐसे करता है कि इंडिया को मतलब इंडिया कहता है पीस हो लेकिन नहीं, चाइना कुछ ऐसी हरकत कर रही जिससे इंडिया की हट जाती है, फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस उसको मिल जाते हैं और पूरी दुनिया से उसको धूल हो रही थी। हालांकि सबसे पहले अमेरिका और ने बोला कि मशाल स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद इंडिया ने जाकर कहा है कि इस तरह। सो गाइस आप क्या कहते हैं इस बारे में, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।